लॉकडाउन लगने के बाद से जहां दूर दराज रह करके अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए नौकरी कर रहे लोग अपने घरों को अब पैदल ही वापस हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद से जहां कारखाने बंद होने से इन लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, जिसके चलते यह राहगीर अपने घरों को साधनों के अभाव में पैदल ही निकल पड़े हैं। वहीं कुछ राहगीरों के द्वारा बताया गया कि वह हैदराबाद से और नागपुर से पैदल चलते हुए प्रयागराज तक पहुंचे हैं और आगे भी उन्हें गोरखपुर, खलीलाबाद, महाराजगंज, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि जिलों के रहने वाले लोग अलग अलग समय में अपने घरों में पहुँचेंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। जैसे शासन जो ऐसा हमारे साथ नहीं, वो उन लोगों से बात हुई है, वो बहुत दूर चले गए। अभी कहाँ से आ रहे हो आप? नागपुर से। साइकिल से आ रहे हो भाई? साइकिल से। कहीं साधन बैठे पूरा साइकिल से ही आ रहे? नहीं, साधन बीच मिला था। अच्छा, उसकी साइकिल उस पे लाद के आए हो? हाँ। ठीक है, तो पैदल जा रहे हो, कहाँ जाओगे? जाएंगे गोरखपुर। इसी साइकिल से आप गोरखपुर तक जाओगे? खाने वाने को रास्ते में कुछ मिल रहा था? हाँ, खाना तो खिलाया था। कहाँ पास खिलाया गया था खाना? कहाँ पास खाना खिलाया गया था? ओ, बीच मालूम नहीं कौन सा एरिया था, लेकिन खाना खिलाया था बीच में। जाओगे कहाँ? गोरखपुर। गोरखपुर महाराजगंज से हम लोग। महाराजगंज से? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग चलिए, जारी चौकी है। तो ये इधर तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद से। तो पैदल यार कुछ साधन मिला, रास्ते मिला था? रास्ते में थोड़ा थोड़ा मिलता गया। कितने दिन से चले हो? आज 5-6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया। वहाँ क्या काम करते थे? अच्छा, तो वहाँ व्यवस्था नहीं थी क्या रहने खाने की? रहने खाने का वो जो सेठ था हमारा, वो अपने घर चला गया, तो उसमें उधर हो रह गया। हमारे पास भी वो कुछ नहीं था वो व्यवस्था खाने के लिए, और जो हमारे पास था वो भी खा चुके थे हम लोग। तो तुम्हारे लोग पास पैसा भी नहीं है वहाँ से आने का भाड़ा किराया के लिए? तो क्या रास्ते में क्या मिल रहा है, कुछ खाने वाने को मिल रहा? हाँ, था खाने के लिए उधर तेलंगाना में मिलता था रास्ते में, और इधर उसके बाद आने पे एमपी में कुछ भी नहीं मिला। तो आप से बिना खाए भी आ रहे हो? कुछ व्यवस्था नहीं थी कहीं खाने पीने? कुछ नहीं, वो बस दुकान में हम लोग जो खरीद के खाते थे वही। दुकान खुली थी? कहीं कहीं पे मिलता था। क्या मिलता था? जैसे वो भजिया हो या वो चिप्स वगैरह।